Hello guys, I will be starting a series of vocabulary because we all know that vocabulary is very important and right now, I mean nowadays if you see in any examination the kind of vocabulary they are asking some new words daily in each and every exam. So if you are doing with old word list, agar aap purani word list kar rahe ho to aapko thodi nayi word list bhi karni padegi. Theek hai, to start karte hain. Pehla word hai mien. What is the meaning of mien? Mien का meaning होता है जैसे आप अपने आप को conduct करते हो, आपका जो अभी mood है, आपका जो character है, ठीक है? जैसे for example कुछ लोग का जो character होता है, mood होता है, वो academic होता है, कुछ लोग का professional होता है, ठीक है? तो mien का मतलब होता है the way you conduct yourself, clear है? जैसे आप अपने आप को conduct करते हो, जैसे आप अपने आप को मतलब दूसरों के सामने present करते हो, तो character आपका character और आपका जो mood है, वो mien होता है. Next is ruminate. Ruminate, R-U-M-I-A-N-A-T-E. Ruminate का मतलब होता है, देखो इसके दो मतलब हैं. पहला तो मतलब है जो जैसे कोई चीज चबाते रहो. अगर आप कोई चीज चबा रहे हो, इसका मतलब आप ruminate कर रहे हो. ठीक है, जैसे cows होती हैं, cows गाय होती हैं, तो गाय कोई ना कोई चीज चबाती रहती हैं. They are chewing it every time. तो ruminating मतलब कोई चीज चबाना. ठीक है, mostly cow के relation में कहते हैं. दूसरा इसका मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा सोचना किसी के बारे में, मींस पॉन्डरिंग ओवर इट. इफ़ यू आर पॉन्डरिंग ओवर समथिंग, इफ़ यू आर थिंकिंग ओवर समथिंग टू लॉन्ग, यू आर रूमिनेटिंग इट. मतलब हिंदी में बोलते विचार करना. तो अगर आप किसी चीज़ के ऊपर सोच रहे हो, विचार रहे हो, तो इसका मतलब आप रूमिनेट कर रहे हो. दूसरा वर्ड है इनट्रांसिजेंस, INTRANSIGENCE. इसका मतलब होता है कि आपने जो सोच लिया वो सोच लिया, वही होगा. मतलब आप स्टबन हो, मतलब आपने जो सोचा वही होगा और कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, तो इनट्रांसिजेंस का मतलब होता है आपने जो सोचा वही होगा और कुछ नहीं होगा. मतलब एकदम कहते हैं ना, जैसे एकदम कुछ लोग होते हैं कि जो ठान लिया, मतलब फिर उनको गलत सही का मतलब नहीं है, जो वो सोच लिया. ठीक है, तो एक्ट ऑफ बींग इनफ्लेक्सीबल भी बोल सकते हो, जो इनफ्लेक्सीबल होते हैं. रोस्ट्रम का मतलब होता है जो जहाँ पर खड़े होकर स्पीच देते हैं ना, जैसे कहीं पे भी आप बैठे हो, किसी ऑडिटोरियम बैठे हो, तो सामने जो स्पीच देता है, तो जहाँ पे वो खड़ा होता है उसको रोस्ट्रम बोलते हैं. मेम का मीनिंग आप मुझे बताओ ज़रा नीचे, मेम का मतलब क्या होता है. MAIM का मीनिंग आप मुझे बताओ कमेंट्स में, और सेंटेंस भी बताना. स्टल्टिफाई का मीनिंग क्या होता है. स्टल्टिफाई का मीनिंग होता है किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को जैसे इम्पीड करना, मतलब जो चीज़ हो रही है उसको कम कर देना. ठीक है, स्टल्टिफाइंग द ग्रोथ का मतलब ग्रोथ को कम कर देना. समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. तो ये मैंने 5-6 वर्ड बताए हैं, तो इनको ज़रा मीनिंग